नमस्कार, गणेशोत्सव विशेष में स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूँ शिवानी। हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी काम के शुभारंभ से पहले भगवान गणेश की ही पूजा की जाती है। साथ ही अक्सर आपने गणेश जी से जुड़ी कई रोचक कहानियां भी सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर भगवान गणेश का सिर क्यों कटा, उनका सिर हाथी का क्यों है और सबसे जरूरी बात कि उनका सिर कटने के बाद कहाँ रखा गया। यह प्रश्न सभी के मन में कौतूहल पैदा करता है, तो चलिए आज की कहानी में हम आपको इन सभी सवालों के पीछे के जवाब बताते हैं। दरअसल शिव पुराण कथा के अनुसार भगवान गणेश का जन्म माता पार्वती के शरीर के मैल से माना जाता है। माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से एक पिंड बनाकर उसमें आत्मा का प्रवेश करवाया था, जिसके बाद वह पिंड सजीव हो उठा और यह पिंड सजीव बालक के रूप में सामने आया था। शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती स्नान करने के लिए जब गुफा के अंदर जा रही थी तो उन्होंने इस नन्हे बालक को आदेश दिया था कि गुफा के अंदर किसी को भी ना आने दिया जाए। माता पार्वती के गुफा के अंदर जाते ही भगवान शिव वहां पहुंच जाते हैं। माँ की आज्ञा का पालन करते हुए उस नन्हे बालक ने भगवान शिव को भी गुफा के अंदर जाने से रोक दिया, जिस पर भगवान शिव गुस्सा हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से भगवान गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर कटते ही माता पार्वती की चीख पुकार और विलाप से पूरी सृष्टि कांप उठी थी। हर तरफ त्राही त्राही मच गई, जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को खुश करने के लिए एक नन्हे हाथी का सिर भगवान गणेश के धड़ से जोड़ दिया और तभी से भगवान श्री गणेश का सिर हाथी और धड़ बालक का बना है और इसी स्वरूप में हम भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर भगवान गणेश का सिर काटने के बाद कहाँ रखा गया। मान्यता है कि भगवान शिव ने गणेश जी के सिर को सुरक्षित एक गुफा में रख दिया था, जिसे पाताल भुवनेश्वर गुफा के नाम से जाना जाता है। इस गुफा में भगवान गणेश की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। भगवान श्री गणेश जी की गुफा की खोज आदि शंकराचार्य ने की थी। उत्तर प्रदेश के अलग होकर बने नए राज्य उत्तराखंड की एक गुफा को ही पाताल भुवनेश्वर गुफा के नाम से जाना जाता है। इसी गुफा में भगवान श्री गणेश की वास्तविक प्रतिमा स्थापित है। मान्यता है कि भगवान शिव ने श्री गणेश जी का सिर काटने के बाद इसी गुफा में स्थापित किया था। यह गुफा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट में 14 किलोमीटर दूर स्थित है। मान्यता है कि इस गुफा के भीतर स्थापित भगवान श्री गणेश के वास्तविक सिर की सुरक्षा रक्षा स्वयं त्रिकालदर्शी भगवान शिव करते हैं। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही रोचक कहानियों को जानने के लिए जुड़े रहिए गणेशोत्सव विशेष सीरीज के साथ और देखते रहिए वीके न्यूज। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।